जल दे रहा है। ये अमृत एवं नहीं होंगे भी पानी है, ये जो पंज प्यारे सही हो गुरु साहब के समर्पण अपने आप करे तो ये हों की है। ये पंज प्यारे अरदास करते हैं भी सच्चे पातशाह सचमुच दिल नाल कह रहे मेरे तो कुछ नहीं है, मैनू काम मिल गया जो तय करना सी भी तू हूँ वर्त गुरु कितने गया नहीं वाली शक्ति एकदम वर्त जाती है सारे। वो गुरु साहब ने जब जलते उत्ते पंज बाणिया का पाठ कर बेअंत शक्ति आ गई। कई प्रेमियों हमें पानी की शक्ति आ जाती है, मैं तो सब तजर्बे करे गए मेरे को बीमार आ रहे मैं कुछ नहीं करता भाई ना तो ऐ राजी करा ना मैं हो मैं कहना तुम आप अपनी शक्ति अंदरों उठाओ पाठ करो जपजी साहब के जलते उत्ते ये जा रही है शक्ति तुम राजी हो जाने क्योंकि सर्व रोग को औकद नाम देखिया की है बड़िया बड़िया बीमारियां जिन्होंने डॉक्टर ने जवाब देता ठीक हो गए सारे बेहद ठीक हो गए कैंसर वाले भी ठीक हो गए। वो होया कि जलते उत्ते एनर्जी है बाणी है अथाह शक्ति इन्हू जेड़ा भी वर्त लेगा वो अंदर शक्ति आ जाएगी बेअंत। वो जल जिस वक्त छकया उतो पहला महाराज ने एक देख लिया भी वो जिला जिड़ी ने बाहर छक गया वो आके फुट पार के लाए गए लड़ी गए लड़े गए दो जिड़े मर गए। वो बाबा बुढ़ा के बैठे से बाबा गुरबाज सिंह उन्होंने देखा ये तो बड़ी क्रूर चीज है बहुत तेज देता महाराज ने। वो महाराज जी उन्होंने कुछ कह नहीं सकते वो चले गए माता जी को। माता जी तो नहीं कहा कुछ नहीं इस वे मिठास पाओ गुरु साहब ने बाणी का तेज भरता पानी ये तेज इन्ना करारा है भी ये खत्म हो जाए करेंगे बिल्कुल। तो इस तरह पंथ सहज में नहीं रहना। माता जी आई बताशे लै महाराज ने कहा शुक्र चंगा कर पता होया तू आ गई नहीं तो यह इन्ना करारा जल बन गया से भाई इन्होंने हर वक्त इस गल से आ जाना सी क्योंकि देह रिहाज तोड़ देना सी उन्हें देह रिहाज तोड़ के जो शरीर से वह लाना सी कि ना कि। सो उस वेले महाराज ने कुछ रहता दसिया बंदिश पाए भी तुम ए रहना इस तरह थोड़ी यूनीफॉर्मिटी रहेगी तो ए बाणिया पढ़निया ने